वरदान विधि शिक्षण संस्थान उद्घाटन में पहुंचे धर्मेंद्र यादव, ईवीएम का किया विरोध। बरेली में प्रथम वरदान विधि शिक्षण संस्थान ने अपनी सेवाएं देना शुरू कर दी है। मुख्य अतिथि बदायूं सांसद धर्मेंद्र यादव ने फीता काटकर संस्थान का उद्घाटन किया। बताया, प्रतियोगी छात्रों की सफलता सुनिश्चित हो गई है। छात्रों का अब इलाहाबाद, लखनऊ व अन्य राज्यों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद बदायूं सांसद ने केंद्र सरकार पर खुलकर बोला, ईवीएम मशीन का प्रयोग चुनाव में नहीं होना चाहिए, हम विरोध करते हैं। 2019 में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटा देंगे, सरकार हमारी बनेगी। और पांचों बजट पेश होने के बाद भारत सरकार के, दो बजट पेश हो गए उत्तर प्रदेश सरकार के, इन तमाम बजट पेश होने के बाद, सरकार की तमाम नीतियां बनने के बाद भी जो उन्होंने बातें जनता से कही थी उसके ठीक उल्टा निकला। महंगाई पहले से कई गुना बढ़ गई, रुपया अपने स्तर में आज तक कभी इतना नीचे नहीं गया जितना इस समय है। पेट्रोल डीजल का दाम इतना हाई कभी नहीं हुआ था जितना आज है। किसानों की आत्महत्या का सवाल है, हजारों किसान हर साल आत्महत्या कर रहे हैं। कभी मैंने इस इलाके के किसानों के बारे में नहीं सुना था कि आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन जहां हूं और आप बरेली में बैठे हैं, यहां से 30 किलोमीटर दूर मेरी लोकसभा का गांव बरखे, वहां पर अभी पिछले दो महीने पहले नथू ने आत्महत्या की केवल 48,000 रुपए की। ये आपने कभी नहीं सुना होगा इस क्षेत्र में। लोगों ने रॉयल खंड के जो एक बहुत प्रॉस्परस एरिया है, इस एरिया में भी किसानों को आत्महत्या करनी पड़ रही है। बेरोजगारी चरम पर है। जब नौजवान रोजगार मांगते हैं तो प्रधानमंत्री जी पकौड़ा बेचने की राय देते हैं। तो ये अब तक करीबन 10 करोड़ नौजवान पकौड़ा बेच रहे होते अगर प्रधानमंत्री जी की बात को सच माने तो। और अगर इतने नौजवानों को जब वो पकौड़ा बेचवाएंगे तो कौन पकौड़ा खरीदने वाला है। इसलिए आज जो मैं आया हूँ, आज एक कोचिंग वरदान संस्थान में आया हूँ, शिक्षा संस्थान में आया हूँ जहाँ से लॉ की पढ़ाई होनी है। आज लॉ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मैनेजमेंट किए हुए नौजवान, इंजीनियरिंग किए हुए नौजवान, मेडिकल की पढ़ाई पढ़ने वाले नौजवान क्या मोदी जी को इसलिए लाए थे कि वो पकौड़ा बिकवाएंगे? और अगर मोदी जी पकौड़ा ही बिकवाना चाहते थे तो 14 बिकवाए होते और 19 में नौजवान इन बातों का जवाब देंगे। हम लोग उस लड़ाई को लड़ रहे हैं जिस लड़ाई को ऑलरेडी नेताजी ने बहुत पहले से लड़ा है, भारतीय जनता पार्टी की फासिस्ट नीतियों से, उनकी जो धर्म के नाम पे नफरत फैलाने वाली नीतियों से, वो जिस तरह से समाज को गुमराह करने की नीतियां और कार्यक्रम बनाते रहे, उन तमाम चीजों से जैसे नेताजी लड़ते रहे, उसी लड़ाई को माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। और सीधा टारगेट है, सीधा चिड़िया की आंख की तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आने से रोकने की जिम्मेदारी समाजवादियों पर है। आज बताओ, बागपत में, सहारनपुर में गए मुख्यमंत्री जी और कह के चले आए कि आप गन्ना की कम करो क्योंकि लोगों को शुगर हो रही है। मैं मुख्यमंत्री से सवाल करना चाहता हूं कि जब आपकी केंद्र की सरकार पाकिस्तान से चीनी इम्पोर्ट करती है तो लोगों को शुगर नहीं होती है, जब उत्तर प्रदेश के गन्ना के किसान 10,000 करोड़ से ज्यादा जिनका बकाया है वो अपने बकाए के मांगने की बात करते हैं, तो आप उनको राय देते हो कि चीनी कम करो, गन्ना कम करो। इस तरह की राय, इस तरह की संवेदनहीनता, आज बताओ हिंदुस्तान के अंदर आज भी अगर रोजगार की बात करो तो तकरीबन 70% लोग खेती किसानी की बल पर अपना जीवन का यापन कर रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री जी राय देके चले आए कि आप गन्ना कम करो, आप खेती ना करो, मैं तो समझ नहीं सकता कि ऐसे मुख्यमंत्री भी हो सकते हैं जो इतने संवेदनहीन हो। ईवीएम मशीन के विषय को लेकर क्या कहेंगे? ईवीएम मशीन के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी का पहले दिन से स्टैंड क्लियर है कि ईवीएम मशीन नहीं होनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हर मौके पर, हर कार्यक्रम में, आपसे मीडिया के साथियों के बीच हमेशा कहा कि सरकार के प्रति जनता में बहुत गुस्सा है और कुछ चाहते हैं कि जनता भी चाहती है कि बैलेट पेपर मिले तो बहुत तेजी से मोहर लगाए तो आवाज भी आएगी। ईवीएम में बहुत ताकत और गुस्सा पूरी नहीं निकलेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई मौकों पर कह चुके हैं। मीटिंग थी, उस मीटिंग में भी हमारी पार्टी क्लियर कट स्टैंड लेके आई है कि ईवीएम नहीं होने चाहिए क्योंकि ईवीएम पर भरोसा अब देश की जनता को नहीं रहा। और आज जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये बयान देते हैं कि हम 50 साल तक राज करेंगे, तो मेरा उनसे सवाल इतना ही है कि भाई किस आधार पर आप कह रहे हो कि 50 साल राज करेंगे? या हम, आप या कोई भी अगले 50 साल बाद हमारे आपके परिवार में क्या होगा आप बता सकते हो? और नहीं बता सकते। 125 करोड़, 30 करोड़ का देश आज है, 50 साल बाद कितनी बड़ी तादाद होगी, उस समय की जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भारतीय जनता पार्टी के ले रहे हैं। तो दो ही रास्ते हो सकते हैं, या तो ईवीएम की चाबी उनके पास है या देश के अंदर लोकतंत्र खत्म होकर राजतंत्र लाने वाले हैं।
चाहे बरेली हो बदायूं हो, दोनों ही जनपद जो एक दूसरे के सराउंडिंग है, बहुत संवेदनहीनता के साथ सरकार ने, सरकार के विभागों ने काम किया। कोई सुविधा नहीं दी। बदायूं में तो यहां तक शिकायत मिली कि पैरासीटामोल जो एक स्टार्टिंग है किसी भी मेडिसिन की, वो भी उपलब्ध नहीं थी। शायद बरेली में भी ऐसा ही हुआ। जी जी जी, ऐसा ही है। और ऐसे मुख्यमंत्री जो इतने संवेदनशीलहीन है कि आप समझो गोरखपुर के बच्चे ऑक्सीजन के बिना मर रहे, बरेली बदायूं के लोग दवा के अभाव में। आपने बात की स्वच्छता से, जितना मैंने कई डॉक्टर से बात की इस मुद्दे पर, तो निश्चित रूप से जो मच्छर है, जो बीमारी है, जो गंदगी है, शायद बेस है, लेकिन उसको दूर नहीं कर पाए। लेकिन पेट्रोल डीजल और तमाम चीजों का सेस लेंगे आप स्वच्छता के नाम।